हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा द बाइकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑटो मार्केट की अपकमिंग टॉप 5 मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में, जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली है। इस लिस्ट में जितने भी बाइक्स हैं, उन बाइक्स का इंतजार इंडियन ऑटो मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से होते आ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये बाइक्स इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च होती है तो अपने कंपटीटर बाइक्स की सेल को इजीली डाउन कर सकती है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक को जल्द से जल्द आपके नज़दीकी शोरूम्स में देखना पसंद करोगे। तो वीडियो को आप इन तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बाइक्स की सारी चीज़ें न्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारा लिस्ट की 5th बाइक है TVS जैपलिन। TVS ने इस बाइक को इकमा के 2018 के मोटर एक्सपो में फर्स्ट टाइम रिवील किया था। तभी से इस बाइक का इंतजार इंडियन ऑटो मार्केट में जोरों शोरों से हो रहा था। ये बाइक 2020 लास्ट में ही लॉन्च होने वाली थी। हाल में आई रिपोर्ट्स के हिसाब से TVS ने जैपलिन की प्रोडक्शन वर्जन को तैयार कर चुका है। 2018 के मोटर एक्सपो में इस बाइक की कॉन्सेप्ट मॉडल को रिवील किया गया था। TVS के पास अभी कोई क्रूजर सेगमेंट की बाइक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब जल्द ही TVS अपनी एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक को लॉन्च कर आपके लिए एक ऑप्शन बढ़ाने वाला है। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 220cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI ऑयल कूल्ड BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो 22 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और अराउंड 18 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती हुई देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी देखने को मिल रहा है। बाइक में आपको काफी पावरफुल इंजन के साथ अच्छा खासा पावर भी जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा। ये बाइक TVS की अपाची RTR 204B के कंपैरिजन में ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करती हुई देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल देखें तो बाइक का इंजन काफी पावरफुल रहने वाला है। इसमें आपको 1.2 kW की बैटरी लगी हुई है, जो कि एक 48 लाइन बैटरी से लैस रहने वाली है। बैटरी की वजह से बाइक में आपको 20% ज्यादा टॉर्क जनरेट होने वाला है। अब बात करें फीचर्स और लुक की, तो इसमें आपको कई सारी प्रीमियम फीचर्स ऑफर की जाएगी। इसमें आपको इंटीग्रेटेड HD कैमरा, स्मार्ट की, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, अलॉय व्हील्स के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी। बाइक के फ्रंट सेक्शन में आपको D-शेप्ड की LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, ह्यूज फ्यूल टैंक और फ्लैट हैंडल बार देखने को मिलेगा। वही बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, HD कैमरा, जो कि बाइक के टेल लाइट पे माउंट रहने वाली है। बाइक में आपको एग्जॉस्ट सिस्टम भी प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में USD फॉक्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। बाइक की फुल स्पेक्स अभी तक कंपनी ने ऑफिशियल रिवील नहीं किया है, जिसकी वजह से बाइक की एग्जैक्ट डायमेंशन की कोई लीक अभी तक नहीं आई हुई है। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसका प्राइस अपाची RTR 204B के सिमिलर रहने वाला है। TVS इसकी प्राइस टैग को थोड़ा सा कम ही रखने वाला है, जिससे कि बाइक अपनी कंपटीटर बाइक्स का सेल इजीली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1,40,000 से 50,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। और इसके लॉन्च डेट की देखें तो 2021 के मिड तक का है, क्योंकि हाल में आई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका प्रोडक्शन मॉडल रेडी हो चुका है। तो बाइक की जल्द ही टेस्टिंग की जाएगी और फिर इसको उसके बाद लॉन्च कर दी जाएगी। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है यामा MT125। MT125 यामा की पॉपुलर MT सीरीज की सबसे कम CC सेगमेंट की बाइक है। ये बाइक इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका क्रेज और डिमांड काफी ज्यादा है इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में। यामा के पास अभी इंडिया में 125cc की कोई भी बाइक उतनी पॉपुलर नहीं है, और इस लिस्ट की सारी बाइक्स अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई हैं। यही रीजन है कि यामा जल्द ही MT15 पे बेस्ड MT125 को इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च करने वाली है और आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन बढ़ाने वाला है। तो जो भी भाई लोग इस बाइक का वेट कर रहे थे, उनको अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका मेनली कंपटीशन KTM की ड्यूक 125 और बजाज की पल्सर 125 से रहने वाला है। इस बाइक में आपको काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ एक काफ़ी रिलायबल माइलेज भी देखने को मिलता है। इसका लुक भी काफ़ी दमदार और अट्रैक्टिव है। यही रीजन है कि ये बाइक काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड BS6 कॉम्पलेंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 15 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 10,000 RPM पे और 11.5 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 8,000 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है। बाइक में आपको 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा पावर और टॉर्क देखने को मिलने वाला है। ये बाइक 0 to 100 km/h की स्पीड 40 सेकंड्स में चली जाती है। इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड रहने वाला है। अब बात करें इसके लुक और डायमेंशन की, तो बाइक का लुक MT15 पे बेस्ड है और इससे काफ़ी सिमिलर रहने वाला है। फ्रंट सेक्शन में आपको यामा MT15 से सिमिलर LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। वहीं बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, स्प्लिट सीट, पिलन ग्रैबरल देखने को मिलता है। इसमें आपको 810mm का सीट हाइट, 140mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है।
बाइक की ओवरऑल हाइट 1065 mm का रहने वाला है। इसमें आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी और इसका माइलेज 45 टू 50 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करती है। इसका कव वेट 140 किलोग्राम का है। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और सस्पेंशन की, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल TFT स्क्रीन मिल रहा है जो आपको सेम MT15 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक और फ्यूल गॉज सोएगी। फ्रंट में आपको 41 mm का USD फॉक्स और रियर में मोर शॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो बाइक की, तो ये फुल्ली इंस्पायर्ड रहने वाली है MT15 से। इसका प्राइस आपको MT15 से कम और फीचर्स ज़्यादातर सेम ही देखने को मिलेगा। बात करें प्राइस और लॉन्च रेट की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1 लाख से 1.25 लाख तक का एक शोरूम देखने को मिल सकता है। इसके लॉन्च रेट की देखें तो यामा इस बाइक को मिड 2021 तक लॉन्च कर देगा। इसका लॉन्च रेट बहुत पहले का था, बट कंपनी अब इस बाइक को लॉन्च करने के लिए एक सूटेबल टाइम ढूंढ रही है। इसके लॉन्चिंग में हो सकता है आपको थोड़ा डिले देखने को मिले। हमारे लिस्ट की थर्ड बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बाइक के प्राइसिंग को लेके आ रहा था, तो आपको मैं बता दूँ इसका प्राइस 1.80 लाख तक का एक शोरूम रहने वाला है। बाइक में आपको फुल्ली मेटालिक बॉडी ऑफर की जाएगी। इसमें कोई भी पार्ट्स आपको मेटल के अलावा प्लास्टिक या फिर किसी चीज़ का देखने को नहीं मिलेगा। पहले जो बाइक के सीट में आपको स्प्रिंग देखने को मिलता था, नए मॉडल में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। ये बाइक टोटल 6 कलर्स ऑप्शंस के साथ लॉन्च होने वाली है। बाइक के फ्रंट सेक्शन में आपको सेम पुराने मॉडल जैसा ही हेडलाइट मिलेगा, बट इसमें आपको राउंड शेप की DRLs भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही सेम DRLs आपको मेटियोर 350 में भी देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट दिया जाएगा। DRLs होने की वजह से बाइक अब फ्रंट से और कूल देखने को मिलेगी। इसमें अब आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। पुराने मॉडल में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता था। LED इंडिकेटर्स की एक्सपेक्टेशन वैसे तो रॉयल एनफील्ड से था नहीं, बट अब इसमें आपको LED इंडिकेटर्स और हजार्ड का स्विच भी देखने को मिलेगा। इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, यहाँ पे अब आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, बट बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको डिजिटल देखने को मिलेगा, जिसमें कि फ्यूल गॉज, ट्रिप मीटर, क्लॉक जैसे कई सारी चीज़ें सोएगी। ओवरऑल इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस मीटर कंसोल को थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है। अब बात करें फाइनली इसके लॉन्च डेट की, तो अभी तक इसके टोटल 3 डेट्स पता चल रहे हैं, जिसमें 2 डेट्स आपको अप्रैल मंथ का है और तीसरा मई मंथ का है। बाइक इन्हीं तीनों डेट्स में से किसी एक डेट को लॉन्च होने वाली है। मेरे हिसाब से आप मई 2021 तक का लेके चलना, क्योंकि मिड 2021 से ज़्यादा लेट रॉयल एनफील्ड इस बाइक को लॉन्च करने में नहीं करने वाली है। हमारे लिस्ट की सेकेंड बाइक है यामा YZF R15 वर्जन 4। सबसे पहले बात करें कि क्या ये बाइक लॉन्च हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो यामा ने R15 की सबसे पहले वर्जन 1 को लॉन्च किया था, फिर उसने वर्जन 2 को, और अभी वर्जन 3 मार्केट में चल रही है। इस हिसाब से कंपनी जल्द ही इसमें कुछ अपडेट्स देके इसके वर्जन 4 मॉडल को लॉन्च करने वाली है। बट ये लॉन्चिंग कब हो रही है, अभी तक इसका कोई भी लीक नहीं आया है, ना ही ऐसा कोई रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे कंपनी इस बाइक में जो चेंजेस करने वाली है उसकी लीक आपको देखने को मिल रही है, बट इसके लॉन्चिंग के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। कंपनी इसके वर्जन 3 को अपडेट करेगी तो ज़रूर, बट कब करेगी, कब तक ये लॉन्चिंग इसकी हो जाएगी, इसका कोई अभी तक कंफर्म डेट नहीं आया है। बात करें अगर इसमें की जाने वाली चेंजेस की, तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ में आपको देखने को मिला होगा कि इस बाइक के लुक को बिल्कुल चेंज किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाइक के लुक में आपको कोई खास चेंजेस नहीं की जाएगी। थोड़े से माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी बाइक का लुक सेम रहने वाला है। इसमें आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। बाकी बाइक के हेडलाइट में थोड़े से चेंजेस की जाएगी। बाइक पहले से अब और शार्प लुक में देखने को मिलेगा। वहीं बाइक के बैकलाइट को सेम रखा जाएगा। यहाँ पे आपको पहले हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता था, जो यामा अपने मोस्टली सारे बाइक्स में यूज़ करता था, बट वर्जन 4 में आपको LED इंडिकेटर्स ऑफर की जाएगी। बाइक में आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिलता है, बट ये हेडलाइट नाइट में उतना सही वर्क करता नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी इसके हेडलाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी और ये प्रॉब्लम फिक्स करेगी। अब बात करें इसके इंजन की, तो ये बाइक जब से BS4 से BS6 में आई है, इसकी पावर कहीं ना कहीं ड्रॉप जरूर हो गई है। ऐसा शायद आपने भी फील किया होगा। पहले इसमें 19.3 BHP का पावर देखने को मिलता था, बट BS6 मॉडल में 18.3 BHP का पावर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मेन फैक्ट माना जा रहा है इसके वर्जन 4 को लॉन्च करने का, क्योंकि इस बाइक का मेन कंपटीशन 200cc सेगमेंट की बाइक से होता है और इसका प्राइस भी 200cc सेगमेंट के बाइक से सिमिलर है। तो यामा यहाँ पे वही सेम 155cc वाला लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पे यूज करेगी, बट इसके पावर और टॉर्क में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। कंपनी इसके पावर को और बढ़ाने की तैयारी में लगा है। इसमें आपको पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया जाएगा। बाकी आपको बाइक में सेम स्लीपर क्लच, 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन, फुल्ली डिजिटल TFT कंसोल देखने को मिलेगा। इसके माइलेज में आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। बाइक की माइलेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है,
बाकी और चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल सकता है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर इसमें राइडिंग मोड्स या फिर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं बाइक का प्राइस काफ़ी हाइक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कंपनी इस बाइक के प्राइस टैग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगी। इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल भी आपको सेम पहले जैसा TFT स्क्रीन मिलेगा। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो यामाहा इसके प्राइस टैग में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1,65,000 से 75,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा, जो कि ऑन रोड आते आते 1,95,000 तक का हो सकता है। हो सकता है लॉन्च होने के बाद इसके प्राइस टैग में थोड़ा सा अपडाउन आपको देखने को मिले। अगर इसके लॉन्च रेट की देखें तो ये बाइक 2021 लास्ट तक लॉन्च हो जाएगी। हो सकता है ये बाइक उससे पहले भी लॉन्च हो जाए, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो आप 2021 लास्ट तक का लेके चलना। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। हाल में ही इस बाइक के पिक को रेंडर किया गया है, जिसका की क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रॉयल एनफील्ड की ये बाइक कैफे रेसर थीम पे बेस्ड होने वाली है। अभी तक इस बाइक की कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, बट अभी आ रही लीक में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये रॉयल एनफील्ड की 350cc सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको मेटियोर 350 से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। मार्केट रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि मेटियोर 350 का इंजन अब तक की रॉयल एनफील्ड की सबसे रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। यही रीजन है कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में मेटियोर 350 का इंजन यूज कर रही है। इसमें आपको सेम मेटियोर से मिलता जुलता पावर स्पेक्स और फीचर्स भी देखने को मिल सकता है। रॉयल एनफील्ड एक अफोर्डेबल प्राइस टैग में 350cc का नया वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ रेट को फिर से वापस लाने की कोशिश में है। हाल में ही इस बाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की पिक वायरल हुई है। वायरल पिक में आप क्लियर देख सकते हो कि इसका क्लस्टर क्लासिक 350 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल से काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रहा है। सेम इसमें भी आपको ऊपर के साइड में एनालॉग और नीचे के साइड में डिजिटल देखने को मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको ट्रिपल इंजेक्शन भी ऑफर करे, बट अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। लुकिंग वाइज अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये बाइक मेनली कंपटीशन देने वाली है होंडा की हाइनस CB350 को। इसकी सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है, जिससे कि पहले जो शॉर्ट राइडर्स को रॉयल एनफील्ड के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था वो शायद इसमें आपको देखने को ना मिले। इस बाइक को मेनली लोगों को फीडबैक और नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये भी एक मेन रीजन माना जा रहा है इसके लॉन्चिंग के डिले होने का। कंपनी भी चाह रही है कि इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी ऑफर्स फीचर्स ऑफर करा जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है। इंटरसेप्टर का लुक लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, बट प्राइस टैग ह्यूज और 650cc का इंजन होने की वजह से लोगों का टेंशन कम हो जाता है इस बाइक से। यही रीज़न है कि कंपनी 350cc में इंटरसेप्टर का लुक दे रही है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। रॉयल एनफील्ड इस बाइक को कस्टमर के नीड के हिसाब से डिजाइन करने वाला है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइक रॉयल एनफील्ड के लिए गेम चेंजर बाइक होने वाली है। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो इसकी जो कंपटीटर बाइक्स है उसके सेल पे कितना फर्क पड़ सकता है। अब बात करें फाइनली इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो कंपनी इस बाइक को लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेगी, क्योंकि इसमें आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर की जा रही है, वो भी कम प्राइस टैग के साथ। ये बाइक स्पेशली लोगों के नीड के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो और वेट करना पड़ सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक mid-2021 तक लॉन्च हो जाएगी, और इसका प्राइस 1,90,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 2,03,000 तक का देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा प्राइस टैग में आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक के लिए वेट करेंगे और किस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।